Okay, so a very happy new year to all of you, first of all, as this is our first face-to-face meeting on update. As you all know that we keep on taking regular updates about the studies and about life. So start करने से पहले एक पोल ले लेते हैं, कि अभी आप लोग, जैसे मैं पढ़ाई के बारे में नहीं पूछना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ ये जानना है कि हाउ मच टाइम डू यू फील आप लोग प्रोडक्टिव दे रहे हो, खाली पढ़ाई नहीं। मैं पढ़ाई मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को डांस करने का मन है तो वो दिन में 1 घंटा अगर डांस करे तो उसको भी इंक्लूड करिए आप लोग इसमें। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस में आपको लगता है कि आप लोग इतना टाइम प्रोडक्टिव दे रहे हो। सो वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, सो जस्ट यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड यू ऑल कैन जस्ट टाइप हाउ मच आवर्स इन अ डे यू आर फीलिंग दैट यू आर गिविंग प्रोडक्टिव। Just you can use the chat box. All should participate, or else if you're not interested, you can leave the meeting. So all should participate कि हाँ सर, मेरा मेरे को लगता है कि इतना टाइम मैं प्रोडक्टिव दे रहा हूँ, खाली पढ़ाई नहीं। Because studies they are just a part of our life. If you are following your passion, like you are working somewhere or like you are doing something productive, you are learning new things. Apart from like studies, तो उसमें included है, studies are always productive. Apart from that, if you are doing a work of maybe let's say suppose 8 hours or something like that. Yes, I just need some answers. So 8 hours, 4 to 5, Niharika Singh. आप लोग क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन मेरा ये है कि पढ़ाई तो है ही, उसके साथ साथ हाउ मच टाइम डू यू फील आप लोग दिन में प्रोडक्टिव दे रहे हैं? ओके, तो कोई बोल रहा है 8 से 10 घंटे, कोई बोल रहा है 5 से 6, कोई बोल रहा है 4. ओके, तो सिंस अगर मान लो आपके मम्मी पापा आपको बहुत पूरा दिन समझाते हैं, आपके बड़े बहन आपके बड़े भाई आपको पूरा दिन समझाते हैं कि हाँ ये करो, इट्स ऑल अ मिथ कि हाँ भाई अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका लाइफ पूरा सेट है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बिकॉज स्टडिंग अ रेनाउंड कोर्स लाइक एक्चुअरीज नॉट ओनली गिव्स यू अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है जॉब में, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ सोशल स्टेटस एंड डेफिनेटली आपका रेपुटेशन भी बहुत अप होता है। सो देर आर फ्यू मोर पीपल ज्वाइनिंग इन। यस, तो फॉर स्टार्टिंग, जैसे सबसे पहले आप लोग जब कोई भी आपका डे आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, खाली मैं पढ़ाई का बात नहीं कर रहा हूँ, सिंस आप लोग अभी कॉलेज में हो तो मैं आपसे कुछ ज्यादा एज का नहीं हूँ, आई एम जस्ट 24, तो आई कैन रिलेट एग्जैक्टली टू यू बिकॉज आज आप लोग को जैसा लग रहा है, अभी आप लोग ने अपने दिल को पूरा मार दिया है कि हाँ भाई मेरे को सिर्फ, मान लो आपका दिल बोलता है नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन राइट नाउ इन योर माइंड इज कि हम लोग पढ़ाई करें कि हम लोग एंजॉयमेंट करें, करेक्ट? यस और नो? किस किस को ऐसा लगता है, एक थम्स अप दिखाना, एक थम्स अप दिखाना, किस किस को ये लगता है कि भाई सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो आज के दिन में माइंड में यही है कि पढ़ाई करें कि यार एंजॉयमेंट करें। सबको कौन कौन किस किस को ऐसा लगता है कि यही यही सबसे हम लोग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के दिन में, राइट, कि हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए कि हम लोग को एंजॉयमेंट करना चाहिए? तो ये मेरे मन में भी था, ठीक है। अभी आप जिस तरीके से आपको लग रहा है लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर आप फॉर एग्जांपल बहुत लोग कोई एक पर्टिकुलर पेपर में स्टक हो जा रहे हैं, या फिर आप लोग कोई चीज को बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हो आपसे वो चीज नहीं हो पा रहा है, तो दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओके, कॉलेज टाइम में आप लोग देखोगे जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, एंड आप लोग को देख के बहुत जलन होता है, करेक्ट? वो लोग को देख आप लोगों को बहुत जलन होता है कि यार ये क्या कर रहा है, मेरा भी लाइफ ऐसा ही होना चाहिए था। डेफिनेटली आप लोग अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू में गलत नहीं हो, क्योंकि यही हमारा एज है टू एंजॉय। डेफिनेटली यू आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू ऑल टू गो आउट एंड हैव फन व्हिच यू ऑल कैन हैव नाउ एट द एज ऑफ 35 और 40, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग अपने मन को किसी भी तरीके से रोकिए मत। फॉर एग्जाम्पल मेरा पैशन था कि मैं गिटार सीखूं, लेकिन 12th के बाद में क्या हुआ, सर मैं सीए करने लग गया, मैं एक्चुअरीज करने लग गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बहुत लोग को ऐसा लगता है ना, बहुत लोग को ऐसा लगता है ना कि यार मेरा पैशन था डांस करना, बट सिंस आप लोग सिर्फ शो ऑफ हैंड्स दिखाइए, एटलीस्ट अपना चेहरा नहीं दिखा रहे तो शो ऑफ हैंड्स दिखाइए मेरे को, ताकि मेरे को अच्छा लगेगा। तो हम लोग सबका कुछ ना कुछ लाइफ में पैशन होता है, हम लोग सब उसको क्या करते हैं, मारते जाते हैं, अपने मन को मारते जाते हैं कि यार। तो अगर कोई बोलेगा मैं 11 में ना अपने स्कूल में बहुत लीड डांसर हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद मैंने एक्चुअली ज्वाइन कर लिया, आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया, अब तो संडे को भी आप हम लोग की बजा रहे हैं, अब तो संडे सैटरडे एवरी डे क्लासेस चल रहा है एंड बस पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसा होमवर्क दे रहे हैं, लाइफ में ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है बस
अब हो गया मेरा लाइफ। बट पढ़ना तो जरूरी है, उसके संग ये समझना है कि क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जैसे मान लो मेरे को पूरा दिन अगर ऐसा लग रहा है कि बोर्डम हो रहा है कि यार मेरे से पढ़ाई, एक तो घर में बैठ बैठ के सबका वही चीज हो गया, हम लोग सबका एकदम ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, एवरीथिंग लाइक दैट। सो एक तो ये लोग टाइम पे कभी नहीं आते। हाँ, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि सबसे पहला बात, आप लोग का जो भी पैशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का है उसको कुकिंग पसंद है, तो आधा घंटा 1 घंटा दिन में वो कुकिंग करना कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग सबसे पहला बात अपने मन को रोकिए मत, व्हाट एवर योर पैशन इज, यू कैन टेक आउट 1 आवर और मे बी हाफ एन आवर एवरी डे टू फॉलो योर पैशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको पूरा दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह को किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो सुबह आधा घंटा 1 घंटा बैडमिंटन खेलिए, रोकिए मत अपने आप को, नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरा एग्जाम आने वाला है। आप आधा घंटा 1 घंटा अपने पैशन के लिए, इंसान जीता किसके लिए, पैसे के लिए नहीं। सर मेरे को तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, पैसा कमा लिया उसके बाद, मैंने बी नॉट बोस्टिंग अबाउट एनीथिंग, आप लोग जो लाइफ के बारे में सोचते हो ना कि यार 5 साल बाद मेरा लाइफ ऐसा होगा, वो मैं अभी जी रहा हूं, लाइक बहुत अच्छा नाम कमा लिया एंड बहुत सारा पैसा है, उसके बाद क्या, विल यू बी हैप्पी? नो। सो व्हाट एवर योर डे इज, प्लान इट लाइक दैट कि हाँ भाई आधा से 1 घंटा मेरे को अपने लिए निकालना है, तभी आप पढ़ाई में भी मन लगा पाओगे। कोई भी, हाँ देखो कॉलेज की क्लास आधे करते 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 आधा दिन निकल जाता है, फिर आधा दिन आपकी क्लास करते करते निकल जाता है। सो देयर शुड बी सम लाइक, एक या तो सुबह का टाइम होगा या फिर दोपहर का टाइम होगा या फिर रात का टाइम होगा, कोई ना कोई एक तो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जहां पर आपको लगता है यस यार अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एंड देखना नेक्स्ट डे आप उसी टाइम का वेट करोगे। लाइक आई हैव इनकल्केटेड दिस थिंग्स फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स इन माय टाइम लाइन। अब मेरे को डेली सुबह उठ के मेरे को वॉक पे जाने का, मैं क्योंकि मेरा वो पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है वॉक करना, मेरे को सुबह सुबह फ्रेश एयर में अच्छा लगता है, मेरे को बैडमिंटन खेलना पसंद है, मैं वो खेल रहा हूँ आधा घंटा। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्या काम करेंगे, मैं आप लोग से ज्यादा काम करता हूँ। सुबह 6 बजे मेरा फोन ऑन होता है, रात के 12-1 बजे तक मेरा काम चलता है, मैं तो आपको आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लोग क्या काम करेंगे। लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, टू इंक्रीज योर लाइक मन को, माथा को पूरा भारी कर लिया हम लोग कि यार ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा, पूरा दिन खाली अपने मन को मारते चले आ रहे हैं कि यार खाली पढ़ना है, 24 घंटा पढ़ना है। 24 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? सो देयर इज एन ऐप टाइम टू स्टडी एवरी डे 4 आवर्स, इफ यू आर गिविंग अ मेजर पेपर 4 to 5 आवर्स, इफ यू आर गिविंग टू पेपर्स आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर इज हाई, सो 7 to 8 आवर्स इज फाइन, बट एवरी डे 30 मिनट्स यू कैन मेक आउट फॉर वॉट एवर यू लाइक। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज द एज टू डू दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट पूरा दिन अपने, पहला सबसे पहला आइडियल जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि पूरा दिन अपने माथे को भारी मत कीजिए कि यार मेरे को पूरा दिन 24 घंटा पढ़ना है पढ़ना है। एंड हम लोग का मेंटेलिटी, मेरा जो कॉलेज करने में मेंटेलिटी था वो पता क्या था, मेरा दोस्त जो है ना वो आज के दिन पे 1 चैप्टर करेगा, तो आज तेरा भाई 4 चैप्टर करेगा, ऐसा किसके किसके मन में मेंटालिटी है, प्लीज एक शो ऑफ हैंड्स हो जाए। आज मैंने जिस दिन पढ़ने का जोश आता है ना हम लोग के अंदर में, उस दिन तो भाई 4 से 5 के 10 चैप्टर एक दिन में करेगा। ऐसे वी डोंट मेक रियलिस्टिक गोल्स, वी नेवर मेक रियलिस्टिक गोल्स इन लाइफ। आप लोग जैसे बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फॉर एग्जाम्पल CS1 है, CM1 में लास्ट 1 महीना हो गया उनको क्लास लिए भी, 1 महीना में उन्होंने 10 लेक्चर देखा है, बट प्लान ऐसा बनाएंगे कि आने वाला 10 दिन में 25 लेक्चर देख लेंगे। अचीवेबल है, लेकिन सबसे पहला बात अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाइए एंड मेक आउट सम पॉइंट। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए, ओके, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए, बट व्हेनेवर ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सीए फाइनल एग्जामिनेशन व्हिच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन इंडिया, he used to make out every day 40 minutes of time for his passion, his guitar. Like every day 40 minutes study break के बीच में वो 40 minutes बस खाली, and वो पूरा दिन like 8 घंटे वो काम करता था, 6 से 7 घंटे वो पढ़ता था, लेकिन आधा घंटा वो make out करता। पहला बात, अपने मन को मत मारिए, नहीं तो आपका क्या होगा ना, धीरे धीरे करके बोर्डम आ जाएगा। किसी बच्चे को आपने ये सुना है, मान लो जो छोटे छोटे, जो आप लोग के घर में छोटे छोटे बच्चा होगा, किसके किसके घर में छोटे छोटे बच्चा है, मान लो 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, वो लोग लाइक अगर आप मान लो वो लोग छोटे छोटे बच्चे से सुनेंगे कि तेरे को बड़ा होकर क्या बनना है, वो बोलेगा मेरे को पायलट बनना है। आप उससे पूछोगे मेरे को बड़ा होकर क्या बनना है, वो बोलेगा मेरे को लाइक मेरे को नासा में जाना है, मेरे को एलोन मस्क बनना है। किसी से भी ये सुना है कि मेरे को एक्चुअली बनना है 8 साल के बच्चे से? नहीं। ये तो हम लोग कर रहे, चलो अच्छा बात है, हम लोग को पैशन है, हम लोग कर रहे, दैट इज वेरी गुड, मेरे को सीए करना है? नहीं। हम लोग सब ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन पढ़ाई में एक्चुअल में किसी को मजा नहीं आता। हम लोग सब करें बिकॉज हम लोग के
माइंड में ऐसा ट्रेन किया गया हम लोगों की, नहीं यार अगर नहीं पढ़ेंगे तो ना अच्छा जॉब मिलेगा, ना लाइफ में रिस्पेक्ट मिलेगा. डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू, बट एटलीस्ट मेक आउट सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ वेर यू कैन जस्ट थिंक यस व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. ओके, डेफिनेटली मैं आप लोग को आज जो सजेस्ट करने जा रहा हूँ, लाइक मेरे को जब मैं सीए के लिए पढ़ा था, जब मैं एक्चुअली इसके लिए पढ़ता हूँ, ऐसा पहले होता था कि यार पूरा दिन पढ़ना है. एंड यू नो व्हाट आई हैव अल्टीमेटली रियलाइज्ड, द डे व्हेन आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, उस दिन भी मैं उतना ही पढ़ता था कंपेयर टू द डे जिस दिन मैं पूरा दिन ऑफ लेता था. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो पढ़ाई मेरा वही 5-6 घंटे ही होता था, लेकिन मन में क्या था कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई हो नहीं रहा, किताब सामने खुला है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. तो ऑल दिस फीलिंग्स शुड नॉट बी देयर इन यू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी लाइक बहुत सारा हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, ये देख आज वो मेरे को हाई बोली, ओ माय गॉड, ये सब टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन है, ये सब पूरा टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन है. तुम लोग को ऐसा लगता है उसके आगे क्या, इज इट प्रोडक्टिव? नो, इट इज नॉट प्रोडक्टिव. मैंने हम लोग चैटिंग करते हैं, अरे बाप रे देख 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 हार्ड बीजी, ठीक है, इट इज एक्चुअली नॉट प्रोडक्टिव. ओके, वही टाइम को आप यूज करिए कुछ प्रोडक्टिव करने में. प्रोडक्टिव मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कुछ नया चीज सीखना जो आपको पसंद आता है. हम लोग को अगर टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन आप ही तो हम लोग के सामने रहते हैं, ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोलने से नहीं चलता है. ठीक है, यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, उसमें आजकल वीडियोज नहीं आता, छोटा छोटा फिल्म के बीच का वीडियोज आता है, वो लोग स्क्रॉल करते 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 1-1.5 घंटा निकल गया, व्हाट, मजा नहीं है सब. आपको देखना है अच्छा सीरीज देखिए जो आपका माइंडसेट को इम्प्रूव करे, कोई खराबी नहीं है देखने में. आप मान लो कोई अच्छा सीरीज देख रहे हो, फिर कोई आप अच्छा मूवीज देख रहे हो, फाइनेंस फिल्म देख रहे हो, फिर ऐसा काम ऐसा मूवी देख रहे हो जो आपका माइंड को इम्प्रूव करे, उसमें आप टाइम स्पेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने अपने कॉलेज में लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतना मूवीज देखा है. मैं हमेशा आप लोग को ऐसे बोलता हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं, बट मैंने इतनी इंग्लिश मूवीज देखी अपने लाइफ में, यू कैन नॉट इमेजिन. एंड यू नो व्हेन आई यूज्ड टू वॉच दैट मूवीज, मैं जब कॉलेज से निकलता था, मैं जब अपने नॉर्थ सेंटर जाता था गिरीश पार्क, देयर वाज अ ट्रैवलिंग टाइम ऑफ 30 मिनट्स, एंड देन अगेन आई यूज्ड टू कम बैक टू माय साउथ सेंटर टू टीच, अगेन देयर वाज अ ट्रैवलिंग टाइम ऑफ 30 मिनट्स, एंड देन अगेन आई यूज्ड टू गो टू माय होम. इस तरीके से 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का जो मूवी होता था, मैं उसको 1-2 दिन में कंप्लीट करता. मैंने ऐसे करके बहुत सारी मूवीज देखने लगी. सो एंजॉयमेंट करना ठीक है, लेकिन कब करना है? अभी क्या है, अभी अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग का पूरा दिन, मैं फील कर रहा हूं व्हेन आई एम टेकिंग सम लाइव क्लासेस, नो वन इज रिस्पोंडिंग इन द क्लासेस. व्हाई डिड यू ऑल आस्क? आज यहां पर 63 पीपल है. मैं सिर्फ अपने बच्चों से बात करना चाहता हूं. ऑल ऑफ यू आस्क्ड मी जस्ट वन थिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्या लाइव क्लास होगा? मैंने पूछते कैसे हो, देखो क्या आपके यहाँ पर लाइव क्लास होता है? हम बोले हाँ होता है, फिर घुमा के बच्चा वही चीज पूछता है, लाइव क्लास देंगे ना? When I see the attendance in the live class, it is just 2 people, 3 people, 4. Then why did you all ask for live classes? समझ में आ रहा है? Time match नहीं कर रहा. But are you all updated? No. The answer is no. When I'm asking for send me the doubts, but nobody sending me. Apart from few people, all are like, मैंने मान लो live class चला, तुम लोग के अंदर इतना frustration भर गया, तुम लोग live class में reply भी नहीं करते हो. मान लो बोले आवाज आ रहा है, वो लोग बोलेगा, हाँ, कुछ बोलता ही नहीं है. Try to speak out in the live classes. Whoever are attending the live classes, at least try to speak out in the live classes. And please try to make good use of your time. अगर आपको, जैसे for example, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं भी बहुत हद तक इसको implement नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो एक दो भी आज implement करेंगे ना, बहुत अच्छा होगा. मेरे दिमाग में अभी तक, सोचो मैं तो इतना सारे एग्जाम दे चुका लाइफ में, अभी तक यही चलता है. जैसे मान लो मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था कॉलेज में, अभी तक मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़े, मूवीज बहुत देखे लेकिन बुक्स नहीं पढ़े. अभी तक मेरे मन में ये, मेरे को पेपर देना है. अल्टीमेटली मैं पढ़ नहीं रहा हूँ ना, मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड वही चीज चलता है. तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट. ओके, ट्राई टू मेक लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ व्हेन यू थिंक दैट यस दिस इज द गोल दैट आई वांट टू अचीव. ट्रस्ट मी, लाइक आप लोग आज जिस तरीके से तन्हा हो, मैं भी उस तरीके से 4 कितना साल, लाइक आई गेस 5 ईयर्स बैक, मैं भी उस तरीके से तन्हा था. तो इफ एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी कैन डू इट, इफ यू सी माय मार्क्स, दे आर वेरी 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 एवरेज, दे आर वेरी एवरेज, बट आई हैव ऑलवेज लिसन टू माय हार्ट. ओके, सो दीस थिंग्स, छोटा 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 जो बात है, आप लोग को बहुत वो करेगा. एक तो ये लेजी सा एटीट्यूड आप लोग लाइफ में आप छोड़ दीजिए. टालने का जो चीज होता है ना, आज नहीं यार कल कर लेंगे,
ट्राई टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ कि हाँ भाई मेरे को सुबह उठ के 2-3 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग शेड्यूल कैसे बनाते पता है, सुबह 4 घंटा पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा का ब्रेक, फिर 5 घंटा पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा का ब्रेक, फिर 6 घंटा पढ़ेंगे। इस तरीके से नहीं होता है। वेर इज द टाइम फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट मेकिंग योर टाइम फॉर योर सेल्फ, तो शेड्यूल कभी भी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। जो बच्चा इस तरीके से शेड्यूल बनाएगा, हाँ मेरे को 2 घंटा पढ़ना है, तो वो 2 घंटा पूरा अच्छा से पढ़ेगा। फिर मेरे को मान लो 1-1.5 घंटा अपने को देना है या फिर अपने हेल्थ को देना है, व्हाटएवर इट इज। सो फर्स्ट थिंग इज शुड ट्राई टू मेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। एंड क्यों पढ़ना है आप लोग मेरे से पूछिए। I am belonging to a very middle class family. You know, I am belonging to a very middle class family, like lower middle class or lower class. You can just think of, like, zindagi mein, trust me, there is nothing, no substitute for hard work. Like hard work and like smart work also, I will say, because these days smart work also helps you a lot. Hard work and little bit of smart work is required in life. Like आज आप लोग पढ़ रहे हो, definitely have the larger goal. मैं बोलता हूँ सब लोग को बोलता हूँ कि हैव द लार्जर गोल कि यार आप लोगों को सिर्फ एक पेपर दो पेपर का बात नहीं है। ट्राई टू हैव दैट माइंडसेट कि मेरे को फेलो बनना है इन द नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई अभी स्टार्ट किया इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, अगर किसी को 2 साल हो गए इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, एंड इट इज रियली अचीवेबल। सिंस आई एम स्टडी फॉर द हायर पेपर्स, आई कैन ट्रस्ट यू दैट इट इज एक्चुअली अचीवेबल विद जस्ट लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। ओके, दिस संडे वी आर गोइंग टू होल्ड अ सेमिनार विद वन ऑफ द अमेजिंग बॉयज, ही इज ऑफ माय बैच ओनली, करेंटली इज एन एसोसिएट। And you know, I just asked him, we met just 3 to 4 days ago in a cafe, and I just asked him that what was the study plan for the toughest paper in actuaries. He just said, I just studied for 1 to 1.5 hours every day. And you all people are getting full day for a paper, which is like lesser effort is required to clear the papers which you are giving than CP1. So that boy knows that yes, every day if I study regularly for 6 months, like I'm giving 1.5 hours or 2 hours, then I can clear the paper. Have that mindset. Gadhe mat baniye ki haan bhai pura din pura 12 ghanta padhna, that is actually not required in life. So take out a little bit of time for yourself. Uske baad mein aap log ko hard work karna hai. Trust me, ye jo abhi aap log dekh rahe ho na, this 5 years whichever you are spending, hamesha kabhi bhi na shorter goal mat rakhna life mein ki mere ko ye paper clear karna hai. Of course the larger goal needs to be broken down into shorter goals, but हमेशा आप लोग अगर आज इस कोर्स में आए, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव दैट लार्जर गोल, मेरे को आने वाले 4 साल में, आने वाले 5 साल में मेरे को एक फेलो बनना है। सर आप तो नहीं बने, हम लोग क्या बोल रहे हैं। मैं, मेरे बीच में सीए के भी एग्जामिनेशंस थे, वरना इफ यू सी माय नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एंड आई वाज लाइक डूइंग माय फुल टाइम जॉब सिंस माय सेकंड ईयर। ओके, आई वाज टीचिंग फुल टाइम सिंस माय सेकंड ईयर। सो इफ यू कंपेयर, थोड़ा सा अलग-अलग, मतलब थोड़ा अलग-अलग सिनेरियोस हो जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर पीपल लाइक यू, just if you just try to spend 4 to 5 hours every day, you cannot imagine how your life will be. Maa baap ke paise to sab udate hain, apne paise kama ke koi din udana tab aap logo ko pata chalega matlab ai aise ekdam koi, I'm independent in today's life, mere ko koi kuch nahi bolta hai. Main kahin bhi jaao, main kahin, main aise nahi bol raha ki pura din aise ghumta hu, but mere ko koi kuch bolta nahi hai. They know that when it comes to work, it is my priority, and mera ko pata hai ki mere ko kya karna hai. Okay, आपके पेरेंट्स आपको पूरा इतना the huge sum of money which your parents are spending, okay, just little bit of effort is required. आज आप लोग खाली पढ़ाई नहीं मैनेज कर पा रहे, just एक छोटा सा क्वेश्चन है। आज आप लोग को मैं बोलता हूँ 5 से 6 घंटा पढ़ाई है, आप लोग आज 5 से 6 घंटा पढ़ाई नहीं मैनेज कर पा रहे, कल को जब जॉब के संग आप लोग पढ़ाई करेंगे, आप लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे? कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा अपने आपसे? जब आप लोग का एक जॉब रहेगा, 10 to 8 का आप लोग एक जॉब रहेगा, उसके संग जब आपको पढ़ने बोलेंगे पेपर्स लाइक CP1 इज देयर, SP पेपर इज देयर, SA पेपर इज देयर, हाउ विल यू मैनेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? द कोर्स इज डिजाइंड इन अ वे दैट इट डजंट रिक्वायर द होल डे, इट जस्ट रिक्वायर्स रेगुलर एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स दैट यू ऑल शुड बी विलिंग, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन टेम्पररी सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई पता है पहले डेफिनेटली सबका एक होता है, मेरा भी था कि हाँ भाई चैटिंग कर रहे हैं, मैंने जनरली हम लोग के, आप लोग देखिए ना, आप लोग ने बहुत कुछ खोया है। आज जैसे मान लो मैं 1000 बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 65 ही आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग के मन में कुछ इच्छा होगा, कुछ चाह होगा, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग को पता है कि ये अच्छा बोलता है, तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हाँ भाई आज हम लोग कुछ अच्छा लेके जाना है, हम लोग को अच्छा लाइफ में करना है, हम लोग के कुछ गोल्स है उसको हम लोग को अचीव करना है, तभी आप लोग आज सब यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आप लोग ने जो खोया है उसका वैल्यू भी तो समझिए ना।
आप लोग ने कोई ज्यादा पार्टी वगैरह नहीं किया, एक मिनट, आप लोग ने लाइफ में एकदम पूरा दिन को ऐसा नहीं होता एकदम पूरा खाली कुछ नहीं कर रहा एकदम वैसा वैसा ना, जैसे कॉलेज में कुछ लोग जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते वो लोग का आप लोग लाइफ स्टाइल देखेंगे एकदम अलग ही होता है। एक फ्रेंड का घर से निकला, दूसरा फ्रेंड का घर में घुसा, फिर रात को पार्टी कर रहा है, फिर सुबह उठ के अगेन पार्टी, मतलब उन लोग का पार्टी ना बॉलर टाइप का जो वो होता है वैसा वो लोग का लाइफ स्टाइल होता है। कभी आप लोग ने वैसा लाइफ स्टाइल नहीं किया, आप लोग एकदम आप लोग इस एज को जो लाइक सैक्रीफाइस कर रहे हैं, द सैक्रीफाइसेस व्हिच यू आर मेकिंग, एटलीस्ट रियलाइज द वैल्यू ऑफ दैट, दीज टाइम्स विल नॉट कम, सो एटलीस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम इनटू स्लीपिंग और वॉचिंग व्हाट्सएप और यू नो, दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन, ओके, यू ऑल शुड बी विजिबल, इट इज विजिबल टू ऑल, दिस इज माई फोन, ट्रस्ट मी, पहले था, अब सिर्फ वर्क रिलेटेड बात होता है, थोड़ा बहुत जो मेरा है ना लाइक तीन चार गिने चुने दोस्त हैं, बिकॉज डेफिनेटली आई वॉज वेरी मच, मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहता था मेरे कॉलेज में, सीए के क्लासेस थे, एक्चुअली था, मैं पढ़ा रहा था, ऑफिस था, तो बहुत सारी चीज चल रही थी उस समय, तो डेफिनेटली आई कुडंट मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट यस आई हैव फ्यू ऑफ देम एंड दे आर लाइक, मैं उनको बहुत अच्छे से चाहता हूँ, तो मैंने कभी वैसा फ्रेंड्स टाइप का लाइफ स्टाइल नहीं दिया कि मेरा एक बहुत ही फ्लैशी सा ग्रुप है, सो यू ऑल हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, मेरे को पता है कि मैंने क्या खोया, मैंने अपने 5 साल दिए तब जाके आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब आप लोग को देख के लगता है अरे तो क्या मजे कर रहा है, नोट छाप रहा है एकदम, इसका तो लाइफ एकदम सेट है, अभी आप लोग तो फ्रंट एंड देख रहे हैं ना, आप लोग बैक एंड तो कोई देखता नहीं है, कितने साल लग गए, 24 इयर्स पर यहां तक दे दिया एकदम, अभी भी मैं पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, मेरे को कोई बोलने में शर्म नहीं कि मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, कभी कभी होता है इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे को याद नहीं रहता, तो मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मैं पूरे दिन पढ़ता ही रहता हूँ, तब जाके एक दिन देखने को आदमी को मिल रहा है। It is all not that easy and like red roses. So if you're sacrificing, give 100% in that and at least try to make a little bit of time for yourself. And that is your time. उस समय ये नहीं कि आप लोगों का मन करे WhatsApp करने का तो WhatsApp नहीं। Just मैं पता है आजकल क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को अपना share करूँ, मतलब मैंने बहुत improve किया इस चीज़ में, मैं अपना personal experience share करूँ। मतलब मैं कोई भी चीज़ जब करता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये मेरे को 5 साल बाद काम आएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो कॉलेज से किसी लड़की को मैसेज कर दिया, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर ऑल्सो हैंडसम, ओ भाई फिर तो उस दिन पूरा एकदम मजा आई, तो आई जस्ट रियलाइज नाउडेज कि व्हाट इज द यूज, क्या वो आपको 2 साल बाद 3 साल बाद क्या काम आएगा? नहीं, कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आज आप अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो, लर्निंग सम काइंड ऑफ स्किल, देयर आर पीपल दोज़ हू आर स्प्रेडिंग सम बैड नॉनसेंस, देयर इज नो जॉब और नथिंग ऐसे वैसे करके, यू सी the people, those who are studying regularly, those who are getting good marks, they are already placed. जो लोग को placement मिलना था वो लोग already placed हो चुके हैं. हाँ definitely scarcity है तो कहाँ नहीं आज के दिन पे, हर जगह पे आप देखेंगे आज के दिन पे scarcity है, चाहे कोई भी course कर लीजिए, ऐसा कोई course का नाम बता दीजिए मेरे को chat box में जिसमें 100% placement है, ऐसा कोई course ही नहीं, ऐसा कोई course नहीं है, बनाया ही नहीं है, ठीक है? So you all need to understand कि आप लोग आज अपना life को इतना sacrifice कर रहे हैं कि ये जो इतना important age है, मान लो 18-19 का आपका age है, से लेके 23 तक आप लोग sacrifice करेंगे, definitely अगर आप लोग उसको complete करते हैं, आप लोग के लिए एक बहुत ब्राइट एंड एक बहुत अच्छा लाइफ आगे वेट कर रहा है, ठीक है? एंड उसके बाद में क्या नहीं होगा, नाम होगा, पैसा होगा, बस कुछ मैंने आप लोगों को फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। Every month your account will be credited with, let's suppose, 50,000, 70,000, 1 lakh, 1.5 lakhs and it increases. जैसे आपको जब growth मिलेगा तो definitely it increases. आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, दस कोई भी सामान लेने से पहले, आज जैसे मान लो पहले क्या था, 6-7 साल पहले क्या था, मैं कोई भी चीज खरीदता था तो टैग देख के, मैं टैग नहीं देखता आज के दिन पे, मैं कोई भी सामान का टैग देखता ही नहीं हूँ, मैं सामान पहले पसंद करता हूँ फिर मैं टैग देखता हूँ। So you all need to understand कि हम लोग पढ़ रहे हैं definitely, लेकिन not money is the only objective. The ultimate objective is to be happy in life. And for that, no, this is okay, sir. So and for that, like you need to like actually understand that you are sacrificing a lot. So give in your 100% and please make out a little bit of time. तो आप देखो कि आपको पूरा दिन अच्छा लगेगा, आप लोग खुश भी रहेंगे। आज से एक नियम बनाओ, please मेरे को WhatsApp पे जरूर लिखना कि yes sir. I have started, for example, आपको नाचने का मन है ना, बचपन से आपका मन था ना नाचने का, 1 घंटा तो नाच ही लो, मैंने ऐसा नाचो कि कोई देख नहीं रहा, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा नाच ही लो तुम, उसके बाद देखना तुमको पूरा दिन कितना फ्रेश लगेगा, तुम पढ़ पाओगे एंड तुम नेक्स्ट डे फिर से उसी चीज का वेट करोगे यार कब हम फिर से नाचेगा। These things happen, ठीक है? A
अल्टीमेट गोल पैसा कमाना तो ठीक है, सबका मन में खाली एक ही चीज है, पढ़ रहे क्यों है, पैसा कमाना है, ये कर रहे क्यों, पैसा कमाना है, पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का क्या। मान लो तुम लोग बहुत अच्छे पर्सन बन गए इंडस्ट्री के, बहुत ही नोन पर्सनालिटी, बहुत सारा पैसा, उसके बाद क्या, पैसे से थोड़ी खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू टेक आउट लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ, एंड उसके बाद में वो करना जो तुम लोग को एक्चुअली पसंद है। आज से स्टार्ट करो, आधा घंटा ही करो, देखो क्या आप लोग के लाइफ में चेंज आएगा। डेफिनेटली मैं ही आप लोग को हमेशा फोर्स करता हूँ कि हाँ भाई आप लोग ये चीज करो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, पूरा दिन टाइम मत वेस्ट करो, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत आज मैं ही बोल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम निकालिए अपने। उसके अलावा एटलीस्ट रियलाइज द सैक्रिफाइसेस व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग इन योर लाइफ, योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेंबर्स, यू आर सैक्रिफाइसिंग दिस सो ब्यूटिफुल एज। आज मैं आपको ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ना कि 40 साल की उम्र में जाके आप फिर से कॉलेज में जाके, मान लो 40 साल की उम्र में आपके पास गाड़ी है, नाम है, पैसा है, आप ड्राइव कर रहे थे ऐसे ऐसे करके, आप देखिए सामने एक लोग पांच छह लड़का लड़की लोग का कॉलेज का ग्रुप जा रहा है, आपका मन में बहुत जलेगा क्योंकि आपने कभी वो चीज फील नहीं किया। आप लोगों को लग रहा है यार ऐसा कोर्स में आगे लाइफ बर्बाद हो गया, हर छह महीने बाद एग्जाम पे एग्जाम पे एग्जाम पे एग्जाम 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 खत्म ही नहीं हो रहा है। होगा होगा, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई टू एंजॉय लिटिल बिट। आई नो दैट स्टडीज इज नॉट फन ऑल द टाइम एंड यू ऑल डोंट लाइक इट, बट डेफिनेटली द फैक्ट इज दिस इज, आज के दिन पे अगर आप इंडिया को देखेंगे, दिस इज द रूट to your success, okay? ऐसा आप लोगों को कभी मिथ नहीं, मैं आप लोगों को कभी फॉल्स होप नहीं दूंगा कि हाँ भाई पढ़ लोगे तो लाइफ पूरा सेट हो जाएगा। एक बार जॉब में जाओगे तो डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ेगा ही। आज छोटे थे, उसके बाद 9-10 तक फिर भी ठीक था, 11-12 तक फिर भी ठीक था, कॉलेज में आए और जब से मेरा कोचिंग ज्वाइन किया उसके बाद तो भाई लाइफ एकदम पूरा खराब हो गया। ऐसा लगता पूरा दिन, संडे तो सर फ्री रहने देते, सैटरडे को तो फ्री रहने देते, कुछ भी फ्री नहीं। तो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। आज जो आप जिस चीज से गुजर रहे हो, मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ, एंड डेफिनेटली हर एक आदमी जो भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए ऑप्ट करता है, चाहे वो मेडिकल को, आप लोगों ने कभी देखा है इंजीनियर को कितना कूल डूड टाइप का लगता है, आप लोगों को लगता होना कितना कूल डूड है, लंबा लंबा बाल है, कलर किया हुआ है, ऐसे चलता है वो लोग रास्ता में, इंजीनियर लोग ऐसे गिटार बज, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने लाइफ में सैक्रिफाइसेस जरूर करते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस व्हिच यू आर मेकिंग एंड योर फैमिली मेंबर्स आर मेकिंग, एंड ट्राई टू लाइक व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग फॉर एनीथिंग लाइक और यू आर डूइंग एनीथिंग, मैं आपको क्या चीज छू के बोलू, मतलब मैं अपना कसम खा के बोलता हूँ, अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है ना तो कोई भी कर सकता है। लाइक एटलीस्ट इतना कर सकता है कि वो खुश रहे एंड अपने पेरेंट्स को खुश रख सके, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों से बात करते हो, आप लोग सबसे बात करते हो, एटलीस्ट ट्राई टू मेक आउट 15 मिनट्स ऑफ टाइम एट नाइट। आई नो एवरीवन इज मेकिंग आउट, अगर कोई नहीं भी निकालते तो 15 मिनट्स ऑफ टाइम यू मेक आउट फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो एट द नाइट। लाइक वॉट एवर टूडे आई एम एट, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई like mama and papa, so like you all should make out 15 to 20 minutes of time for them also, okay? So these are little things that I follow in life, you all should also follow. And apart from that, coming back to the study part, like yes, every day at least, aap logo maan lo koi din nahi padhne ka man kar raha hai, maine bahut baar aisa hota hai ki koi din nahi padhne ka man karta, to theek hai thoda time aap mat padhiye na, thoda time us din kam padhiye, उसको आपको मेकअप करना पड़ेगा अगले दिन। एटलीस्ट वो फ्लो को मत छोड़िए, वो फ्लो को बिल्कुल मत छोड़िए लाइफ में, वो फ्लो अगर आप छोड़ देंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ लाइक आई जस्ट वांट एन ओपन हाउस, लाइक आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हो, एंड आपको कभी भी लगता है देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग व्हाइल स्टडीइंग, लाइक व्हाटएवर इज इन योर हार्ट। एक्सर मेरे को जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, मेरे को ये होता है, लाइक जैसे मेरा ऐसा क्या था, जब मैं कॉलेज में था मेरा ये था कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तब मेरे को मन में बहुत सारे ख्याल आते थे। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो मेरा फ्रेंड खेल रहा होगा, वो व्हाट्सएप आ रहा होगा, मेरे मन में ये सब ख्याल बताते हैं। लेकिन उसके बाद से मैंने लाइक क्या किया, एग्जाम लिख रहा सेम, तो उसके बाद से मैंने क्या किया ना, जब मैं जो काम करता हूँ ना उसमें 100% देता हूँ, लाइक सो वट एवर आई डू आई ट्राई टू बी 100% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स, you all can raise your hands and then like I'll be giving opportunity to everyone. Yes, Akshat Agarwal, yes,
Akshat, yes, dear. यस सर, गुड आफ्टरनून यस, सर। गुड आफ्टरनून। सर पढ़ते वक्त ऐसा होता है जैसे अगर लैपटॉप से पढ़ा है या फोन से भी पढ़ा है सपोज, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ओके, सो है, मतलब उस चीज से कैसे बचा जाए? नो, यू कैन नॉट लाइक स्टॉप दीस थिंग्स। ओके, you need to like you cannot exactly cut from your social life. I would not want that thing, but at least you can reduce it. Okay, now in the apps you can see your daily hours that you have spent. Okay, so actually, you know, first of all, what I follow is just turn off the notifications and turn on the notifications of good news app. Like there is economic time, there is money control. Okay, and when you turn off the notifications of like WhatsApp or Facebook, तुम्हारा जब मन खोलेगा, माने तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम उसे ऐप्स खोलना, ना कि जब वो ऐप्स चाहेंगे। तो तुम मान लो कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मेरा तो मन करेगा ही ना, मेरा फोन साउंड में है, कोई नोटिफिकेशन है, मेरा तो मन करेगा इसको खोलेगा। तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, ठीक है? दिन में 2 बार से 3 बार से ज्यादा आई डोंट थिंक सो यू शुड ओपन। एक्चुअली तुम लोग का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ट्रस्ट मी, तुम लोगों का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं इस चीज में, तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं। मेरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम लोगों का कहां से इंपॉर्टेंट हो जाए? फ्रेंड को नोट्स चाहिए तो फ्रेंड को नोट्स चाहिए तो टाइम दे दो ना उसको, इस टाइम में तुम मेरे घर में आके नोट्स ले लो। लर्न टू से नो, यस नहीं, नो बोल रहा हूं, नो बोलेंगे फ्रेंड्स ही। फ्रेंड्स बोलते हैं चलो आज चलते हैं, थोड़ा इतना टाइम हो गया, पूरा दिन तुमको देखा नहीं है, तुम तो ऐसा हो गया, तुम तो पराया हो गया। हाँ हो गया, हाँ हो गया। हफ्ता में एक दिन दो दिन निकला बात अलग है, हर दिन ही निकल गया अलग अलग से। मेरा तो अलग अलग ग्रुप से, मेरे को तो सबके संग जाना पड़ता है वरना फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे। बुरा मानने दो ना, बुरा मानने दो। जब तुम कामयाबी के शिखर पे होगा तो वही लोग देखना पीछे ताली बजा रहे हो, ठीक है? तो उतना कुछ मत सोचो, एटलीस्ट ट्राई टू टर्न द नोटिफिकेशंस ऑफ, दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक। ओके, यस सिद्धांत। सिद्धांत, किसको किसको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग स्टडीज या फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ते वक्त, प्लीज फील फ्री। घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज फील फ्री। यस सिद्धांत, और कोई है जो हम लोग को बताना चाहेगा? राधिका भागवत, यस हेलो सर, गुड इवनिंग। यस। या सो सर, व्हेनेवर आई स्टार्ट स्टडिंग आई गेट बैक टू थिंकिंग अबाउट वेदर आई शुड गिव द एग्जाम अ नॉट। अगर मेरे से पोर्शन हो गया, नहीं वेरी हो गया, कैसे हो जाएगा, गुड, वेरी गुड। तो ये टाइम डर है, उसमें ही वेस्ट होता है। ये डर है। सुनो, ये इसके लिए तो एक बहुत बड़ा हाथ तली, हमेशा हम लोग सेल्फ डाउट में रहते हैं और टीचर के डाउट में रहते हैं। हम लोग को हमेशा पता है हम लोग कैसे सोचते हैं। मैं आप लोग को अपना थिंकिंग समझाता हूँ। दुनिया का जितना भी सब बुरा चीज है ना, वो सब मेरे साथ होगा, और दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा चीज सब मेरे फ्रेंड्स के साथ में होगा। ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग कैसा पढ़ते हैं पता है? जो 80% एग्जाम में आएगा ना, इसको तो बाद में पढ़ेंगे, जो जो पहले नहीं आएगा ना वो सब पहले पढ़ते। नो, दिस इज नॉट द टेक्निक। हमेशा लाइफ में 80-20 रूल लगाना बहुत जरूरी है। 80% ऑफ द टाइम थिंग्स विल बी नॉर्मल, 20% ऑफ द टाइम्स थिंग्स विल नॉट बी नॉर्मल। ये हर जगह पे आप लगा सकते हो, ठीक है? ये जो आप लोग का तो थिंकिंग है कि मैं फेल होऊंगा, अच्छा मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सेप्टेम्बर का एग्जाम्पल ले लो। कितने सारे बच्चे ऐसे थे जो लोग ने पढ़ के भी एग्जाम नहीं दिया, ऑनलाइन है हम नहीं देंगे। लो लो, अब क्या है, अब अप्रैल में भी ऑनलाइन है। वो लोग अगर जिद पे अड़े रहेंगे कि हम अप्रैल में भी नहीं देंगे, ठीक है, वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे? वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बड़ा बड़ा कंपनी का नाम ले लो, ठीक है? आज के दिन पे तुम लोग को शायद याद नहीं होगा, एक कंपनी था नोकिया बोल के, नोकिया। नोकिया ने एंड्रॉइड को मना कर दिया, बोला नहीं, आज देखो कहाँ है, कहीं नहीं है, ठीक है? उसके बाद में देर आर कंपनीज लाइक, पहले यू नीड टू लाइक अडैप्ट टू थिंग्स, यू नो। इन द कार वर्ल्ड टेस्ला इज नंबर वन। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज वेरी इनोवेटिव। इनोवेटिव, मैं आप लोगों को, इनोवेटिव तो सब लोगों को बनना ही चाहिए, बट इनोवेटिव से मैं रिलेट इस बात से कर रहा हूं कि डर किस बात का है। लोग क्या बोलेंगे अगर हम फेल हो गए, तो तुम्हारा टीचर भी फेल हो गए तो क्या दिक्कत है?
कभी ये सब चीजें डरना नहीं चाहिए. एटलीस्ट गिविंग योर 100% इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर माय सीए फाइनल्स, लाइक पीपल दे जनरली टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, लाइक इट्स रफली अ 2 ईयर प्रिपरेशन. आई जस्ट ट्रस्टेड इन माई सेल्फ दैट आई हैव 3 मंथ्स ऑफ टाइम, लेट मी स्टडी. ठीक है, अगर इस टर्म में नहीं तो अगले टर्म में तो पक्का ही हो जाएगा, एटलीस्ट लेट मी स्टडी. मैं जब एक्चुअली इसके लिए पढ़ता हूँ तो मेरे मन में ऐसा नहीं आता है, जब मैं सीए के लिए पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में ऐसा आता है, क्योंकि द सिलेबस इज वेरी वास्ट. एंड हमेशा मेरे मन में यही चीज आता था कि यार मतलब मैं पास होऊंगा कि मैं फेल होऊंगा, बिकॉज व्हेन यू सी यू आर गिविंग एन एग्जाम इन विच 90% पीपल आर फेलिंग, सो यू आर इन द हायर चांस टू फेल द एग्जाम. ओके, मैंने कभी कुछ नहीं सुना, मैंने बस खाली 100% दिया एंड मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने बहुत जतन से पढ़ा, मैंने कोई एक ऐसा लम्हा भी नहीं है जो मैंने ऐसा वेस्ट किया होगा जो मेरे को बाद में रिग्रेट हो. मैंने सच बताऊं तो मैंने 100% दिया. ठीक है, यू नो आई हैव क्लियर्ड इन दैट 3 मंथ्स ऑफ टाइम स्पैन इंडियाज वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस, एंड आई हैव आल्सो फेल्ड इन सीबीवन लाइक एग्जामिनेशंस व्हिच इवन रिक्वायर वी डोंट इवन रिक्वायर 10 डेज ऑफ हार्डली स्टडी फॉर लाइक मेरे लिए. तो मैं अपने लिए, मैं अगर अपना बात करूं तो, क्योंकि मैं उसी फील्ड में बिलोंग करूं, इट्स ऑल अबाउट द फोकस, इट्स ऑल अबाउट द फोकस इन लाइफ, कि आप लोग किस चीज को कितना जतन से पाने का ट्राई कर रहे हो. व्हाट इज योर लाइक, अगर मान लो मेरे को ऐसा ना, ठीक है चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, ऐसे कभी नहीं होता है. जब भी कोई चीज को ट्राई कर रहे हो, गिव योर 100% इन दैट. 2 अटेम्प्ट में 50-50% देके आप पास नहीं हो सकते, 1 अटेम्प्ट में 100% देंगे तो पास हो सकते. So giving that 100% effort, and you know, pass fail के बारे में कभी भी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए. अब जैसे मान लो मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आज मान लो पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा मेन काम क्या है, ये सोचना कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं, मेरा मेन काम पढ़ाना है. ठीक है, अगर मैं ये सोचने लगता हूँ बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, उस सोच के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो ट्राइंग इज आज मेरे मन में, तो मेरे मन में वो बच्चा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है जो सेप्टेम्बर में नया करिकुलम एग्जाम दे के फेल हुआ, एग्जाम दे के फेल हुआ, इसका रीजन है एटलीस्ट वो पीछे तो नहीं हटा, उसने एग्जाम तो दिया. दैट इज अ वेरी बिग थिंग. एंड यू नो फेल तुम कभी ना कभी तो हो, तुम ये चीज को एक्सेप्ट कर लो अपना मन में. फेल हो गए तो क्या हो गया, ये ऐसा कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं ना, अगर फेल हो गए तो मेरे को कम का जॉब मिलेगा, फेल हो गए तो ऐसा होगा, फेल हो गए तो. आज जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर सबने आईआईएम अहमदाबाद के बारे में सुना है, सबने सुना होगा, यहाँ पर बैठे हर आदमी ने आई एम अहमदाबाद की सुना होगा. द एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टेकन टू गो टू आई एम अहमदाबाद इज 2 to 2.5 years, मतलब दूसरा या फिर तीसरा अटेम्प्ट में जाके वो आई एम अहमदाबाद लोगों का क्रैक होता है. तो क्या वो ऐसा सोचेगा मैं पहले 2 बार फेल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं सोचता है लोग, ऐसा कभी नहीं सोचता है लोग. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक, जस्ट ट्राई टू गिव 100% एंड एलिमिनेट दिस थॉट्स कि मैं पास होऊंगा कि मैं फेल होऊंगा. मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आज से भी तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं तुम लोग को आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता हूँ. आज से भी कोई बच्चा अगर अपना 100% दे दिया ना, और वो अगर आज से पढ़ना स्टार्ट किया, मान लो उसको पहले का कुछ नहीं आता है, जीरो, चाहे वो सीएम वन दे रहा हो, सीएस वन दे रहा हो, सीएम टू, सीएस टू, सीबी वन, सीबी टू, दो पेपर दे रहा हो, तीन पेपर, कितना भी पेपर दे रहा हो, आज से भी अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, 3 महीने का टाइम है, वो आग लगा देगा, रैंक आ सकता है उसका, इतना टाइम है तुम लोग के पास में. लेकिन हम लोग सोच में बर्बाद कर देते हैं कि अरे बाप रे टाइम कम है, टाइम कभी कम नहीं होता है, टाइम कभी भी कम नहीं होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एनीवन प्लीज ओपन अप. आप जब तक लोग पूछेंगे नहीं, तब तक आप लोगों का माइंड क्लियर नहीं होगा. योर माइंड शुड बी वेरी मच क्लियर. और कोई हमारा भाई बंधु जो हम लोग से प्रेरणा बर्न वाली, यस भाई, यस सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बोलो ना. हाँ सर, हम जब भी लाइक पढ़ने बैठते हैं तो हमसे ये सोचते हैं कि इतना ब्लैक कर रहे सिलेबस में, इतना सब सबको इतना आगे चला गया, हम इतना पीछे चल रहे हैं, तो वो मतलब कि उस कारण से जैसे कि जब भी वीडियोस करते तो और डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा, फिर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. इसका मैं आंसर दे सकता हूँ. एक बात सोचना, माय एज इज 24, ठीक है, माई एज इज 24 और मेरा भाई है उसका एज है 22. तो जब जब मैं अपना अगर एग्जाम्पल लू, तो जब मैं मान लो जब सीए करा था, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ,
अगर आप लोग ऑफिशियली देखेंगे, मेरा मई 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू था, बट मैंने क्लियर किया नवंबर 2019 में। अगर मैं ये सोचता कि मैं लैग कर रहा हूँ पीछे, मेरे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी सीए बन गए, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, तो क्या मैं बन पाता? मैं कभी ऐसा नहीं सोचा। या फिर ऐसा सोचो, जैसे आप देखोगे कि कितने सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो लोग लाइफ, मैंने तो लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल नहीं देखा, जो थोड़ा बहुत देखा ठीक है कोई बात नहीं। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप? जो आप लोग देखते हो, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, लाइक उन लोगों का एज मान लो 32, 35, 40, 45 पे लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दे जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव इन्वेस्टेड ऑल ऑफ देयर लाइक मे बी 1/3 ऑफ देयर लाइफ इन जस्ट दैट आइडिया, इन जस्ट दैट ड्रीम। ओके, डू दे थिंक लाइक दैट कि मैं लेट हो गया, या फिर मेरे अगर मैं मान लो शुरू से जॉब करता? सो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए इंसान को कि मैं पीछे हूं। मैंने हमेशा इसके बारे में भी अपने क्लासेस में जिक्र किया है, कभी भी ना अपने आप अपने को ये मत सोचना कि मैं आगे हूं या फिर मैं पीछे हूं। ये सब चीज सिर्फ इंसान का माइंड को खराब कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकते। आगे मैंने एक्चुअली सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, ठीक है? तो मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, मेरे टाइम पे लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते थे। जो लोग ने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, बहुत लोग ने 1 साल के बाद में छोड़ दिया। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन के बाद में स्टार्ट किया, मैथमेटिक्स ऑनर्स, उसने ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया। उसके बाद में उसने 1 साल में 4 पेपर निकाले, अब भी उसका 1 साल में प्लेसमेंट लग गया, जो लोग का 3-3 4 4 साल में भी नहीं लगता है। सो हाउ डू यू कंपेयर दिस थिंग्स? ठीक है, और एक बात आपको बताता हूँ, इन टर्म्स ऑफ मनी जो हम लोग सोचते हैं ना, मनी के टर्म्स में आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। एक चीज आराम से सोचो, मान लो मैं 50,000 महीने का कमा रहा हूं, मेरा फ्रेंड है वो 60,000 महीने का कमा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार वो मेरे से 10,000 रुपये ज्यादा महीने का कमा रहा है। मेरा फ्रेंड क्या सोच रहा है कि यार मैं तो उससे 10,000 रुपये ज्यादा का कमा रहा हूं। मैं दुखी और वो खुश। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे, 50,000 कमाने वाले में 60,000 कमाने वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों जन ऑलमोस्ट सेम ही लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। जो 2 लाख कमा रहे हैं और जो 3 लाख कमा रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैंने मान लो मैं 2,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लूंगा, तो वो 2,200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेगा, ठीक है? सो आपके दिमाग में है ये सब कि यार मैं उससे हल्का कम हूँ, वो मेरे से हल्का ज्यादा है, वैसा नहीं होता लाइफ में, ठीक है? तो वी ऑल हैव द इक्वल टाइम व्हिच इज लाइक गिवन टू एवरीवन द सेम थिंग। डेफिनेटली सब सब में आप देखोगे, कोई ज्यादा टैलेंटेड है, कोई कम टैलेंटेड है, कोई जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, कोई लेट स्टार्ट किया, कोई जल्दी वगैरह वगैरह चलते रहते हैं। कोई 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 काला है, कोई गोरा, वैसा सब कुछ अलग अलग है, भगवान ने अलग अलग बनाया है, लेकिन टाइम सबको सेम दिया है। सो कैन यूज ऑल दैट। यस, नेक्स्ट, और कोई जो हमसे पूछना चाहेगा कुछ भी ऐसा जो उसको लगता है कि पढ़ते टाइम देयर इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल? यस हर्षिका, यस। हाँ भैया, मेरे साथ होता है कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। 1 साल कोरोना वायरस के कारण कुछ भी, कोई नया सीवी में कुछ ऐड नहीं हुआ, तो मैं इंटर्नशिप पहले देखूँ या पहले बैठ के इस बार पेपर दे दूँ, इस बार दूँ या ना दूँ, या मैं कोई और कोर्स या फिर सीए करूँ या फिर मैं आरबीआई का कोई एग्जाम दूँ या फिर कुछ दूँ। तो राइट नाउ आई एम वेरी मच कंफ्यूज। ऐसा लगता है एक्चुअली सभी पढ़ूंगी तो निकाल लूंगी, लेकिन एम आई लेट? 1 साल बर्बाद हो गया, 1 साल बर्बाद होने के कारण इंटर्नशिप नहीं जस्ट मैंने मिलेगा। इसका आंसर दिया, जस्ट मैंने टाइमिंग के रिलेटेड जो आंसर दिया, आप लोग को सबसे पहला बात ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इज दिस योर रियल पैशन? इज दिस द कोर्स दैट यू वांट टू डू? अगर इफ द आंसर इज यस, यू लाइक डूइंग दिस कोर्स, यू लाइक डूइंग द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड इन द कोर्स, यू लाइक द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, देन आप लोग स्टिक करिए एंड बी पेशेंट। ओके, यू शुड बी पेशेंट। लाइफ आपको हमेशा बार बार एक ही चीज सिखाएगा, वो है पेशेंट कैसे रहा जाए। तो इफ यू आर नॉट पेशेंट इन लाइफ, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बहुत मेहनत करता था, लाइक एक एक मैंने अलग अलग बैठा के एक एक स्टूडेंट को पढ़ाया है। आई हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि आज अब मैं बैचेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है? सो यू नीड टू बी पेशेंट इन लाइफ, और एल्स यू विल ऑलवेज लाइक फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार मेरा नहीं हो रहा है। मैं हमेशा बोलूंगा, आज जैसे मान लो तुम्हारे लाइफ में जो फेज आया कि यार मेरा कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, सब फ्रेंड्स आगे बढ़ गए हैं, वेदर आई शुड डू अ जॉब, हमेशा आएगा। बट यू शुड बी पेशेंट एंड जस्ट इफ यू आर जस्ट लाइकिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, देन डेफिनेटली स्टिक टू दैट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट। एक बार दो बार क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देर आर स्टूडेंट जो लोग 10 10 साल से ट्राई दे रहे हैं,
सीए कोर्स में है, या फिर मान लो एमबीए में तीन तीन चार चार साल से ट्राई कर रहे हैं, या फिर बैंक पीओ का एग्जाम्स बार बार दे रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, छह सात जगह जॉब्स का इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट हो रहे हैं. सो यू शुड बी पेशेंट इन लाइफ. इफ यू आर नॉट पेशेंट, लाइफ विल टीच यू अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, हाउ टू बी पेशेंट इन लाइफ. ओके, यू शुड ट्राई टू बी पेशेंट एंड डेफिनेटली गिव योर एग्जाम्स राइट नाउ. एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यस यू आर रेडी फॉर द जॉब्स, डेफिनेटली अप्लाई फॉर द जॉब्स एज वेल. ओके, ट्राई करो, देखो क्या डिमांड्स आता है, वो लोग अपने आप तुमको फीडबैक वगैरह देंगे कि हाँ भाई आपके सीवी में ये कम है, आपको तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि क्या सब स्किल्स रिक्वायर्ड है, फिर क्या क्या पेपर्स रिक्वायर्ड है. ओके, एंड देन यू कैन जस्ट गेट दैट इन योर सीवी एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब. ओके, यस कोमल, कोमल जिंदल. यस कोमल, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट. हाँ बोलो. वेरी कॉमन क्वेरी विच एवरीवन इज हैविंग कि सर पढ़ते वक्त, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो अभी क्लास ले रहा हूँ. हाँ ओके, सो मान लो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो मेरे मन में ये चल रहा है कि मेरे को बैडमिंटन खेलना है. मैं तुम्हारा बता रहा हूँ, मैं जब क्लास ले रहा हूँ मेरे मन में ये चल रहा है कि मेरे को बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है. जब मैं क्रिकेट या फिर बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मेरे मन में ये चल रहा है कि मेरे को तो पढ़ना था. मैं मूवी में जा रहा हूँ तो ये सोच रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, जब मैं गर्लफ्रेंड के संग हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को तो पढ़ाई करना है. ऐसे लाइफ में आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर. ओके, बिकॉज देर इज नो स्टेबिलिटी इन योर माइंड, यू आर नॉट एंजॉइंग द थिंग्स विच यू आर डूइंग एंड ऑलवेज यू आर इन द फियर दैट अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. And this fear, trust me, हमेशा रहेगा and हमेशा you will overcome that. For example, कितने बार आप लोग के संग में ऐसा हुआ है कि आप लोग जैसे मान लो मैं को ये लग रहा है कि ये एग्जाम मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, या फिर ये जो मैं चीज करने जा रहा हूँ ये मेरा होगा कि नहीं होगा. हमेशा हम लोग कोई भी काम करने से पहले हल्का सा डरते हैं, लेकिन यू सी योर पास्ट रिकॉर्ड कि कितने बार आप लोग ऐसे सिचुएशन में आए हो जब आप लोग डरे हो एंड कितने बार आपने उनको सक्सेसफुली ओवरकम किया, आपको आपका जवाब मिल जाए ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. Except a few times, किसी का तो strike rate 100% होगा. हमेशा आप लोगों को ऐसे ही लगेगा कि यार अब तो मैं फंस गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा. ठीक है, बट दैट इज नॉट द एंड. आप लोग देखो आपके पास्ट में हमेशा ऐसी सिचुएशंस आए होंगे एंड आपने उनको कितने सक्सेसफुली ओवरकम भी किया है. ठीक है, सो यू सी योर पास्ट. फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये एग्जाम मैं क्लियर कर पाऊंगा क्या, तो मैं अपने पास्ट में देखूंगा ना कि यार मैंने कितने सारे ऐसे एग्जाम्स दे रखे हैं ऑलरेडी जिनमें मैंने क्लियर किया है. That gives me a little bit of confidence. Okay, so don't fear anything. Whichever you are studying for papers or you're doing a job, don't fear at least. So, मैंने आज के दिन भी देखा, आज के दिन भी people they need very honest persons. Like honesty, आज के दिन भी बहुत ज़्यादा valued है. मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको value करते हैं. You should be honest with yourself. जैसे for example, मेरे को मान लो कुछ पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. मैंने इस बात का accept किया है कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को पढ़ना चाहिए. ठीक है, I just don't try to make out excuses. यार मेरे को तो पढ़ाना पड़ता है तो बोल के मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर मेरा ऐसा प्रेशर रहता है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, that is it. Okay, I have accepted this. या फिर मैं पास कर रहा हूँ, that is. So try to be honest with yourself. And ये सब जो thoughts आएंगे, आप पकड़ के मत बैठिए उनको. यार वो मेरे को ऐसा बोल दिया, वो मेरे को. Try to be like a kid. उसको तुम कुछ भी बोल दो, आज तुम उसको कुछ भी बोल रहा है, वो कल फिर से वैसे नॉर्मल हो जाता है. So, हमेशा उस थॉट को पकड़ में बोलो, लेट देम फ्लो ओवर योर माइंड. वो आएगा और वो जाएगा. हमेशा थॉट्स ऐसे रहेंगे, वो आएंगे और वो जाएंगे. यानी ऐसा नहीं कि आपके संग खाली होता है, सबके संग होता है, मेरे संग भी होता है. लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन कैन हेल्प यू इन दिस एंड फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली. आप थोड़ा माइंड आपका शार्प रहेगा दैट व्हाट एवर यू आर डूइंग उसमें फोकस बनेगा, इसलिए लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं. सो अगर आप वो कर सको तो बहुत ही अच्छा है. एंड जैसे मैंने आपको बोला, आधा घंटा टाइम निकालिए, उस समय बोली कि हाँ भाई जो आना है तो आ जा दिमाग में, और उसके बाद मेरे को परेशान. सो सबका अपना अपना होता है. कोई किसी को मान लो आधा घंटा बैठने के बाद में अच्छा लगता है, क्या भाई मैंने आधा घंटा बैठा मेरे को ठीक लगता है, देन आई स्टार्ट स्टडी. ओके, सो सबका अपना अपना होता है. ट्राई लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन और स्पोर्ट्स और योगा, और यू कैन जस्ट टेक आउट हाफ एन आवर वन आवर टाइम फॉर योरसेल्फ. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. ओके, सो दैट इज इट. डोंट उसको पकड़ के मत बैठो कि हाँ भाई वो करना है तो वो पहले कर लेते हैं. मान लो तुमका समय तो व्हाट्सएप करना है बीच में, तो बीच में व्हाट्सएप कैसे हो सकता है? पढ़ाई के बीच में फोन को दूर रख देते, ऐसा रखो कि तुम उठ के उसको लेना पड़ो, रीचेबल तुम्हारे हाथ के दायरे में नहीं. स्टार्टिंग नाउ हाउ मेनी आवर्स वी नीड टू स्टडी टू, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं?
How many hours we need to study to clear CS1 or CM1 in April? 6 hours. 6 hours of effectiveness. Like 1/4 of your day should be spent in studies, and the rest of the day you can do whatever you like. 6 hours should be spent. Yes, anyone else who would like to ask me anything? देखो आज मैंने आपको ये नहीं बताया कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, वो तो सब लोग बताते ही रहता, क्यों पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। सैक्रिफाइसेस जब कर रहे हो तो उसका पूरा यूज होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखोगे कि यार हमेशा मैंने इतना सैक्रिफाइस किया लाइफ में, ये किया वो किया, लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिला। उसका रिटर्न मिलने के लिए आप लोग को राइट डायरेक्शन में मूव करना है, एंड आई एम देयर फॉर दैट। सो ऑलवेज जस्ट हैव वैल्यू फॉर द सैक्रिफाइसेस व्हिच ऑल योर पेरेंट्स यू आर मेकिंग, एंड प्लीज ट्राई टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ एज वेल, ओके। एंड अगर आपको कोई भी ऐसा चीज लगता है जो आप लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर पा रहे, फिर पढ़ते टाइम आपके मन में आता है, प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी, माय व्हाट्सएप नंबर इज विद एवरीवन। सो यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड अगर किसी के मन में कुछ भी है तो वो बोल सकता है। सर आई एम वरीड अबाउट वर्ड। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वर्ड नमन नमन, एवरीथिंग विल बी देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। वी ऑल विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्ड क्लासेस एज वेल, ओके। एंड द मॉक्स ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग इज इन वर्ड ओनली, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल नमन। वर्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम प्रवीण भैया, मैंने अच्छा वर्ड के लिए एक चीज बोला है। यस, वी ऑल शुड प्रैक्टिस वर्ड। शिवांगी मैम हैज बीन कंसिस्टेंटली सेइंग, एंड इवन आई हैव सेड इन द ग्रुप्स दैट दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वर्ड। द वीडियोस आर रेडी, यू ऑल शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन वर्ड। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, आप लोग को आज के दिन पे जो चीज आपका बहुत बड़ा कमजोरी लग रहा है, कल के दिन में जाके आपका सबसे बड़ा ताकत बनेगा। वॉच द मूवी मिल्खा सिंह। वो पहले बिना जूता के दौड़ता था, उसके कोच ने उसको जूता पहनाया, वो बोला मैं बिना जूता के बहुत अच्छा दौड़ूंगा। एंड आगे जाके उसने क्या बोला कि यस, ये जो जूता है तुमको, जो नोकीला जूता जिससे तुमको आज के दिन पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसके संग प्रैक्टिस करो, तुम देखो कल के दिन में तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत बनेगा। और वही हुआ, ठीक है। सो वर्ड को एक कमजोरी की तरह नहीं, एक ताकत की तरह देखिए, बिकॉज अब आपको पेन और पेपर को यूज नहीं करना है। इंस्टीट्यूट इज डूइंग अ ग्रेट डील ऑफ वर्क इन लाइक इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड पहले ऐसा था कि इंटीग्रेशन वगैरह, अब तो इतना सिंपलर नोटेशंस में वी कैन राइट इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ओके। एंड दैट इज ऑल एक्सप्लेन्ड इन द वीडियोस। So yes, thank you all of you for joining today's session. We all will be holding more such sessions. So thank you. You all can leave the meeting now. Thank you, sir. Okay.